नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इस बॉलीवुड एक्ट्रेस के खिलाफ नौकरानी ने दर्ज कराई सैलरी न देने की शिकायत। बॉलीवुड एक्ट्रेस के खिलाफ नौकरानी ने सैलरी न देने, डरा धमका कर जान से मारने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराया गया है। बॉलीवुड की एक बड़ी हस्ती है, उस एक्ट्रेस का नाम है किम शर्मा। बता दें कि किम शर्मा ने साल 2000 में फिल्म मोहब्बतें से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। जानकारी के अनुसार किम के खिलाफ उनकी नौकरानी नम्रता सोलंकी ने शिकायत दर्ज कराई है। नम्रता का कहना है कि किम ने उसे धमकाया और साथ ही उसकी सैलरी भी नहीं दी। नम्रता ने यह भी बताया कि किम ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मुंबई के खार पुलिस थाने में यह शिकायत दर्ज करवाई गई है। नम्रता ने किम पर उसकी एक महीने की तनख्वाह न देने का आरोप लगाया है। नम्रता के अनुसार जब उसने किम से पैसे मांगे तो एक्ट्रेस उस पर भड़क गई। अब फिर से रोती हुई नजर आई राखी सावंत। यूजर्स बोले जहर खा लो। टिकटॉक ऐप भारत में बैन होने के बाद अब सब तरफ इसके चर्चे शुरू हो गए हैं। बता दें कि गूगल प्ले स्टोर से भी इस ऐप को हटा दिया गया है। इस खबर के बारे में जानकारी टिकटॉक यूजर्स बहुत दुखी है। इस बीच राखी सावंत ने भी सोशल मीडिया पर अपना एक टिकटॉक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह रोती हुई नजर आ रही है। साथ ही वीडियो में पीछे शाहरुख खान की फिल्म कल हो ना हो के टाइटल ट्रैक की ट्यून बज रही है। राखी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर राखी को काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। एक यूजर्स ने उनके इस वीडियो पर कमेंट किया कि दीपक कलार की याद आती है। वह दूसरे व्यक्ति ने लिखा है, अच्छा सा टाइम देखकर जहर क्यों नहीं खा लेती हो। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।